2019 में दोस्तों खिलाड़ी कुमार की जो है फिल्में लगातार धड़ल्ले से आ रही हैं। पहले केसरी आती है, फिर उसके बाद मिशन मंगल, फिर उसके बाद हम हाउसफुल 4 देखेंगे एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट गुड न्यूज देखेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, इस साल सलमान भाई की भी दो फिल्में आने वाली हैं। एक तो आ चुकी है भारत और दूसरी है फिल्म दबंग 3। अब दोस्तों इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूं कि सलमान भाई आगे हैं अपनी पहले दिन के कलेक्शन को लेकर या फिर खिलाड़ी कुमार आगे हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल बोस, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल में। देखिए भाई, यहां पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, दोनों ही फिल्में जो हैं वो छुट्टी वाले दिन रिलीज होती हैं। 15 अगस्त को बहुत बड़ा हॉलीडे था, दूसरी तरफ अगर बात करें ईद का माहौल था तो उस वक्त भारत रिलीज हुई थी और वो भी बहुत बड़ा माहौल था। बात करूं अगर दोस्तों यहां पर मिशन मंगल के साथ, तो यहां पर बाटला हाउस आ जाती है। बाटला हाउस आती है तो स्क्रीन्स भी डिवाइड हो जाती हैं, बिजनेस भी डिवाइड हो जाता है, फुटफॉल्स जो है वो भी डिवाइड हो जाता है। तो ऐसे में बाटला हाउस अपना कलेक्शन लेके अलग चली जाती है। बात करें अगर दोस्तों फिल्म मिशन मंगल की, तो अपने पहले दिन 29.16 करोड़ कमाती है फिल्म। बाप रे बाप, हम लोग तो ये एक्सपेक्ट करेंगे, कर रहे थे कि होगा 25-26 तक आएगा कलेक्शन, लेकिन इतना ह्यूज कलेक्शन आता है तो हम सब खुश हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर अगर सलमान भाई की फिल्म की बात करूं, मैं भारत की बात करूं, तो भारत को कहीं ना कहीं स्क्रीन्स ज़्यादा मिले। भारत को अगर बात करें तो सिंगल इंडिविजुअल रिलीज थी, तो भारत ने अपने पहले दिन 42.30 करोड़ का ट्रेमेंडस बिजनेस किया था। सो ऐसे में आपको क्या है कहना इन बिजनेस को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहिए चैनल के साथ, मैं राहुल भोज इसी तरीके की बातें बताता रहूंगा। एंड हाँ, ये भी मुझे बताइएगा दोस्तों कि क्या कहना है आपको, अगर यहाँ पर मिशन मंगल अकेले रिलीज होती तो कितना बिजनेस करती। ठीक है, फटाफट बताएं।